मैं राधा और कृष्ण का बन करके दीक्षा देता हूं। समझे समझे, अब उसे साधक की कुंडलनी जागृत हो जाती है। समझे, और जागृत कुंडलनी साधक का शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। कैंसर तो एक पर्टिकुलर पार्ट को, अंग को डैमेज करता है, एड्स तो पूरा सिस्टम भी सारा गड़बड़ा देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा सब ब्लड सर्कुलेशन, मतलब सात प्रकार के सिस्टम से विज्ञान वाला मानते हैं और सातों ही गड़बड़ हो जाते हैं। अब एक किसी का ठीक करे तो दूसरा खराब हो जाए, तो इस प्रकार जो कुंडलनी होते पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है, साधक के पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है, पहला वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया। आज भी हमको हमारे देश में वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा कि वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। पश्चिम में मेरे लिए बड़ी समस्या आई संजीवनी की बात कहते हुए, राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण का तीर लगा वो बेहोश हो गए, हनुमान जी लाए पहाड़ बूटी का उठा के दी तो होश में आ गए। समझे समझे, तो आपको चाहे कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई रोग है, ये संजीवनी मंत्र को जपना शुरू कर दो, अभी से उस रोग से नहीं मरोगे जिसके लिए डॉक्टर ने कहा है ये गरीब। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे, आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, कह आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता ना अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो, कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग।